आज हम आपको बताएंगे अपने 5 किलोवाट एक्सपर्ट किंग 2 ऑफ ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर के फीचर्स के बारे में और साथ ही बताएंगे कि इस इन्वर्टर में क्या खास है और क्यों ये बाकी इन्वर्टर से अलग है। हमारी ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी को कॉल या मैसेज करके इसके फीचर्स के बारे में पता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इस वीडियो में इस इन्वर्टर के सारे फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस को कवर कर देंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इस इन्वर्टर की सबसे पहले बात करते हैं पावर रेटिंग के बारे में। यह इन्वर्टर 5000 वोट में आता है और 5000 ही वीए में आता है। इसका वोट और वीए दोनों ही सेम है। सेकंड नंबर पर बात करते हैं इसके पावर फैक्टर की। इसका पावर फैक्टर 1 है, यानी कि आप इस इन्वर्टर के ऊपर 5000 वोट और 5000 ही वीए का लोड चला सकते हैं। मार्केट में और भी जो इन्वर्टर अवेलेबल हैं, अगर वो 5000 वीए का है तो उसके ऊपर आप 3500 से लेकर 4000 वोट तक का ही लोड चला सकते हैं, क्योंकि उनका पावर फैक्टर 0.7 या 0.8 होता है। पर इस इन्वर्टर का पावर फैक्टर 1 है, जिसकी वजह से आप इसके ऊपर 5000 वोट और 5000 वीए का लोड चला सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके थर्ड फीचर के बारे में, जो है इसकी पैरेलल कैपेबिलिटी, यानी कि आप इस इन्वर्टर को आपस में जोड़कर कितने किलोवाट तक लोड बढ़ा सकते हैं। तो आप इस इन्वर्टर को 9 इन्वर्टर्स तक आपस में जोड़ सकते हैं और 45 किलोवाट तक इसको बढ़ा सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके फोर्थ फीचर के बारे में, जो है इसका ट्रांसफर टाइम। तो यह इन्वर्टर 0 मिली सेकेंड ट्रांसफर टाइम में आता है। अगर आपको कोई भी क्रिटिकल लोड जैसे कि ATM, सर्वर, हॉस्पिटल मशीनरीज, लेबोरेटरीज या और कहीं भी इसे यूज करना है तो आप इस इन्वर्टर को बिना किसी टेंशन के यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्वर्टर 0 मिली सेकेंड में आता है, जिसकी वजह से आपके लोड को बिजली से बैटरी के ऊपर 0 मिली सेकेंड में लेकर आ जाता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ग्रिड और लाइट जाने के बाद आपका लोड बैटरी के ऊपर स्टार्ट हो गया है। बात कर लेते हैं इसके फिफ्थ फीचर की, जो है इसका बैटरी वोल्टेज रेंज, यानी कि आप इस इन्वर्टर को मिनिमम कितनी बैटरी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इन्वर्टर आता है 48 VDC में, जिसका मतलब है कि आप इस इन्वर्टर के ऊपर मिनिमम 4 बैटरी तक इंस्टॉल कर सकते हैं और मैक्सिमम आप इस इन्वर्टर के ऊपर 30 से 40 बैटरी तक इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके सिक्स्थ फीचर के बारे में, जो है इसका सोलर चार्ज कंट्रोलर। तो इस इन्वर्टर में MPPT चार्ज कंट्रोलर दिया गया है, जिसका बेनिफिट ये होता है कि आपके सोलर पैनल जितनी पावर जनरेशन कर रहे हैं उतनी ही आपका इन्वर्टर आगे सप्लाई करेगा। अब बात करते हैं इसके सेवंथ फीचर की, जो है इसकी मैक्सिमम PV रेंज, यानी कि आप इस इन्वर्टर के ऊपर मैक्सिमम कितने सोलर पैनल तक इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप इस 5 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर 6000 वोल्ट यानी 6 किलोवाट तक के सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की, जो है इसका मैक्सिमम सोलर चार्ज करंट। तो ये इन्वर्टर 100 एम्पीयर तक का सोलर चार्ज करंट प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट आता है इसका मैक्सिमम AC चार्ज करंट। तो ये इन्वर्टर 100 एम्पीयर तक का AC चार्ज करंट प्रोवाइड कर सकता है। बात कर लेते हैं इसके MPPT रेंज की, यानी कि आप इस इन्वर्टर को मिनिमम कितने पैनल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इन्वर्टर आता है 120 से लेकर 450 VDC में, यानी कि आप इस इन्वर्टर को सोलर पैनल से मिनिमम 120 वोल्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। आप मिनिमम 4 या 5 पैनल इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपका इन्वर्टर स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि आप इस इन्वर्टर को 1200 से 1500 वोल्ट के पैनल से स्टार्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में इन पैनल्स को अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की, जो है इसकी सर्ज पावर। तो ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर आता है 10 किलोवाट की सर्ज पावर में, यानी कि आप इस इन्वर्टर के ऊपर 10 किलोवाट तक का सर्ज पावर 10 सेकंड के लिए चला सकते हैं। जैसे कि आपकी कोई पानी की मोटर, आपकी कोई मशीनरी जो 5 से 10 सेकंड के लिए आपका सर्ज लोड लेती है, तो आप इस इन्वर्टर के ऊपर 10 किलोवाट तक का सर्ज लोड चला सकते हैं और ये इन्वर्टर आपका 10 किलोवाट तक का सर्ज लोड बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से उठा सकता है। बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की, जो है इसका BMS पोर्ट, यानी कि ये इन्वर्टर लिथियम बैटरीज को भी सपोर्ट करता है और आप कभी भी इस इन्वर्टर के ऊपर लिथियम बैटरीज को लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की, जो है इसका वाईफाई कम्युनिकेशन। इसमें दिया गया है इनबिल्ट वाईफाई और उसी वाईफाई की मदद से आप अपने मोबाइल से इस इन्वर्टर के पैरामीटर्स को देख सकते हैं और साथ ही इस इन्वर्टर की सेटिंग्स भी कर सकते हैं। यह इन्वर्टर एक वॉल माउंटेड इन्वर्टर है और इसका वेट है सिर्फ 10 kg, जिसकी वजह से आप इसे किसी भी दीवार पर या किसी भी जगह पर लगा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको 5 किलोवाट एक्सपर्ट किंग 2 मॉडल के फीचर्स के बारे में बताया। प्रोडक्ट परचेज करने के लिए और सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन के लिए आप वीडियो में दिए गए हमारे नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। थैंक यू वेरी मच।
Thank you.